वहीं ढोल नगाड़ों और गगनभेदी नारों से यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का लखनऊ में स्वागत हुआ। परिवहन मंत्री ने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका संगठनिक का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सरकार में मंत्री और अब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। उनके इस अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, क्या कुछ कहा आइए आपको दिखाते हैं। पूरे प्रदेश के हमने पूछा कि आप चुनाव कैसे जीते हैं, तो मैं पहला चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, तो उस समय मैं क्या करता था, अपना मोबाइल नंबर मंच से नोट कराता था, नंबर बोलते थे जो भी इनका नंबर था। अभी तो मैं मान लू बोल दूंगा यहाँ पर नंबर, मान लीजिए मैं मानवेंद्र जी का नंबर बोल दिया वो नंबर हो जाएगा, ये 9 करके अपना नंबर 00 बताया करते थे। और उत्तर प्रदेश की सबको नंबर नोट कराते थे, जितनी भी जनता है सबको नंबर नोट कराते हैं। तो मैंने कहा जनता जनार्दन चुनाव जीतने के बाद जब आपको फोन करेंगे बाद में क्या करेंगे, चुनाव जीतने के बाद एक सहयोगी रहता है वो फोन उठाता रहेगा, हम भी उठाते रहेंगे, उठा पाएंगे उतने जाएगा और जनता ने दोबारा चुनाव जीता दिया। और अब इन्होंने प्रधानमंत्री